पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आज दिल्ली से पटना पहुंचे, जहां पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने तो शुरू से कहा था कि यह गठबंधन बालू पर खड़ा है, गिर जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी गिरेगा हमें नहीं मालूम था। उनका गठबंधन टूट रहा है और वो देश जोड़ने चल रहे हैं। नीतीश जी चले गए, ममता जी छोड़ रही हैं, बाकी लोग नमस्ते कर रहे हैं। हमने बार बार कहा था कि देश बदल गया है, या देश स्थायी सरकार चाहता है, एक प्रामाणिक लीडर चाहता है जिसकी नीयत ठीक हो। राहुल गांधी जहां जहां घूम रहे हैं वहां वहां अलायंस टूट रहा है। राहुल गांधी झारखंड गए और विधायक सब हैदराबाद में है, यह बड़ी रोचक बात है, जहां उनकी पार्टी के विधायक को रहना चाहिए था। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, आप खुद ही सुन लीजिए। राहुल गांधी पे जो बोला है कि 40 सीट भी आप नहीं जीत पाएंगे, आप माइग्रेटरी बर्ड के जैसे हमारे स्टेट में आते हैं, हमें बिना इन्फॉर्म किए। तो हमने तो शुरू से कहा था कि ये गठबंधन बालू पे खड़ा है, गिर जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी गिरेगा हमें नहीं मालूम है। और उनका गठबंधन टूट रहा है और वो देश जोड़ने चले हैं। तो नीतीश जी चले गए, ममता जी छोड़ रही हैं, बाकी लोग कह रहे हैं नमस्ते करना है। तो हमने बार बार कहा था कि ये देश बदल गया है, ये देश स्थायी सरकार चाहता है, एक प्रामाणिक लीडर चाहता है जिसकी नीयत ठीक हो, जो नेता ठीक हो और जिसकी नीति ठीक हो। खड़गे जी भी बोलते हैं 400 पारिस, कैसे उन्होंने बोला? कुछ स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा है, या तो सच्चाई निकल गई या फिर दिन में तारे देख रहे हैं, दोनों बात है। लेकिन राहुल गांधी कहाँ हैं? जहाँ जहाँ घूम रहे हैं अलायंस टूट रहा है। अच्छा है, घूमते रहें, शायद जब लौट करके दर्शन करके आएंगे तो सिर्फ उन्हीं की पार्टी बचेगी। राहुल गांधी झारखंड गए और विधायक सब हैदराबाद में हैं। हाँ, ये बड़ा रोचक मामला है। ये मैं भी तब से प्लेन में ही परेशान था कि वहाँ तो उनकी पार्टी के विधायक को रहना चाहिए था। सरकार बनी अच्छी बात है, लेकिन ये सरकार का स्थायित्व कैसा इसी से दिखाई पड़ता है कि हैदराबाद जाके संभालना पड़ा है। धन्यवाद।